नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार समाचार में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेखपाल भर्ती की। दोस्तों, नए सिरे से कवायद स्टार्ट हो गई है और 8,000 पद के लिए एक साथ भरने की तैयारी भी बना ली गई है शासन के द्वारा। यूपी ट्रिपल एससी ने नए सिरे से 3 वर्ष पहले जो है चयन का प्रस्ताव, जो भी यहाँ पर रुकावट थी उसके लिए प्रस्ताव मांग लिया गया है। आखिरकार देखते हैं या क्या थी दिक्कतें इसमें आ रही थी। तो दोस्तों, राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के लिए पिछले 3 वर्ष से चल रही जो कार्रवाई है वह बेमतलब साबित हो रही है। दोस्तों, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है, इसलिए जो है जून 2020 तक रिक्त पदों की भर्ती के लिए नया प्रस्ताव मांग लिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। दोस्तों, तो जल्द से जल्द आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है और वो भी 8,000 पदों के लिए। दोस्तों, यह अच्छे खासे पद हैं, तो दोस्तों तैयारी अपनी बनाए रखिए। देखिए, आपको पता होगा लगभग 5,200 रिक्त पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था, लेकिन अब यहां पर बढ़ाकर इसकी सीटों की संख्या 8,000 देखने को मिल सकती है आपको। दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं, यूपी पीएससी ने अपने परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि एपीओ मुख्य परीक्षा 29 और 30 जुलाई को होगी। दोस्तों, प्रदेश सरकार की ओर से हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है 18 और 19 जुलाई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया था, जिसके कारण परीक्षा अब 29 और 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, तो यह आप सभी लोगों के लिए एक डेट में चेंजिंग आई है, तो आप लोग इसका ध्यान अवश्य दीजिए। अब बात करते हैं, प्रवक्ता अंग्रेजी के 29 पदों पर हुआ दोस्तों चयन। तो दोस्तों, आपको पता है यूपीपीएससी ने जारी किया सीधी भर्ती का परिणाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी के 29 पदों पर सीधी भर्ती, यहां पर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 3 व 4 जुलाई को आयोजित किया गया था। दोस्तों, अब यहां पर प्रवक्ता अंग्रेजी के 29 पदों में से 18 पद अनारक्षित हैं, 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 3 पद अनुसूचित जाति के आरक्षित हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को यहां पर नियुक्ति मिली है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब यहां पर आगे बात करते हैं दोस्तों, बीएचयू में अक्टूबर से दाखिले की तैयारी की जा रही है। राज्य विश्वविद्यालय तैयार कर रहे हैं शिक्षकों का डाटाबेस। दोस्तों, सभी महाविद्यालयों से मांगी गई है शिक्षकों के बारे में जानकारी कि किस यहां पर विद्यालय में महाविद्यालय में कितने शिक्षक हैं, कार्यरत हैं और वह कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी होता है। उसके कारण यहाँ पर मद्देनज़र देखते हुए इसकी जांच के बाद इसमें जो है पहले शिक्षकों का डाटा मंगाया जाए, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, CA अर्थात चार्टर अकाउंटेंट की जुलाई अगस्त की परीक्षाएं अब नवंबर में होंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विद्यार्थियों के हित में लिया गया है यह फैसला और परीक्षा टालने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि CA की परीक्षा में थोड़ा सा आपको समय मिल जा रहा है और नवंबर से परीक्षाएं होंगी। और दोस्तों, मेरा मानना है कि लगभग जितनी भी परीक्षाएं हैं नवंबर से पहले नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जितने भी आपकी एग्जामिनेशन है, चाहे आप ले लें BEO का एग्ज़ाम ले लें, CTET ले लें, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, लगभग नवंबर के आसपास ही होगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को एक परीक्षा की डेट के हिसाब से तैयारी रखिए, क्योंकि तैयारी अगर आपकी सही रहेगी तो एग्ज़ाम कभी भी होगा, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं। अब यहां पर अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों, या वही न्यूज है लेखपाल भर्ती वाली। दोस्तों, तो अगर दोस्तों यहां पर एक मोटिवेशनल कोट्स है आप लोगों के लिए कि अपने उद्देश्य में ईमानदारी से अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता का आपको मिलना अति आवश्यक है और जरूरी भी हो जाएगी। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप ईमानदारी से लगे रहते हैं, आपकी ईमानदारी ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अपने से ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे, आज नहीं कल, लेकिन आप सफलता को ज़रूर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल पर बने रहिए इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।